टॉप 3 बेस्ट एमटीवी साइकिल्स अंडर 15,000 रुपीस इन इंडिया। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट एमटीवी साइकिल 15,000 के नीचे कौन से है इंडिया के अंदर। दोस्तों मैंने ये 3 साइकिल इसलिए चूज किए क्योंकि दोस्तों ये 15,000 के नीचे ये सबसे बेस्ट साइकिल मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यार प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप एमटीवी साइकिल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं 15,000 के नीचे, तो यार इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखना। सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल एडवाइजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। दोस्तों एक जरूरी बात की इस चैनल पे गिवअवे चल रहा है वीवो V19 फोन का। इस फोन का प्राइस 32,000 है। ये फोन आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाले हैं। तो यार इस गिवअवे के बारे में वीडियो में आगे बताते रहूंगा, तो यार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और इस फोन को जीतने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, आगे बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो लाल कलर के नीचे वो बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो, और घंटे का भी बटन को दबा दो। दोस्तों मैं जो साइकिल के बारे में आपको बताने वाला हूं वो मैं नंबर वाइज करूंगा, ठीक है 3, 2, 1। और जो पहला साइकिल है वो बहुत ही ज्यादा खास, तो प्लीज पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों जो तीसरे नंबर पे साइकिल आते हैं वो आते हैं हरकुलस की तरफ से, हरकुलस रोडियो पी के लिए। दोस्तों ये जो साइकिल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों सेम में देखने में बहुत ही अच्छा लुक है, और ये कलर भी बहुत यूनिक लगता है देखने। दोस्तों ये साइकिल आपको 27 इंचेस को देखने को मिल जाता है, और आपको दूसरा ऑप्शन भी है इसके अंदर 29 इंचेस का भी। दोस्तों इसके अंदर आपको 21 गियर देखने को मिल जाता है, जो कि आता है शिमानो टोरने की तरफ से आता है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। दोस्तों इसके आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है 7 गियर, और आगे की तरफ 3 गियर देखने को मिल जाता है, जो कि मल्टीपल्स गियर है, यानी 21 गियर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर फ्रंट और रियर की तरफ दोनों तरफ आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका जो बॉडी फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है, स्टील का बने होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और दोस्तों इसके अंदर जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और दोस्तों इसका जो सीट है बहुत इजी रिमूवेबल हो जाता है, और आपके एडजस्टेबल करके इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने तरफ से। दोस्तों इस साइकिल का जो प्राइस है वो है 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कहीं भी या फिर आप ऑफलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं 12,000 या 13,000 के बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे साइकिल के बारे में। दोस्तों जो दूसरा साइकिल आता है वो फिटर की तरफ से आता है, फिट ट्रिप स्नाइपर 221। तो इस साइकिल में आपको 27 इंचेस का इसका बॉडी फ्रेम देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये जो साइकिल भी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसके अंदर आपको 2 कलर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर भी 21 गियर देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ 7 और आगे की तरफ 3। ये जो गियर है ये मल्टीपल गियर है, मतलब 21 गियर है इसके अंदर भी, और इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आगे की तरफ दोनों तरफ डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो बॉडी फ्रेम है वो स्टील का बना हुआ है, ये स्टील का होने के बावजूद भी लाइटवेट है। दोस्तों इस साइकिल के अंदर आपको एक और न्यू फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट क्विक रिमूव है। दोस्तों ये फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्विक रिमूव का आपको इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों इसका प्राइस जो है 12,800 से लेकर आपको 14,000 तक मिल जाएगी। दोस्तों ये जो साइकिल के प्राइस है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट मिलता है, अमेजोन में कभी अलग मिलता है, फ्लिपकार्ट में अलग मिलता है, ऑफलाइन पे भी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हो इसे बाय करना तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो इसे, और इसका प्राइस 12,800 से लेकर 14,000 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो पहला नंबर का साइकिल है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों ये जो साइकिल आता है ये आता है कॉस्मिक की तरफ से, कॉस्मिक ट्रिम। दोस्तों इस साइकिल का जो फ्रेम साइज है वो है 27.9, और इसके अंदर भी आपको 29 इंचेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर भी आपको 21 गियर देखने को मिल जाता है, फ्रंट की तरफ 3 गियर मिल जाता है, और पीछे की तरफ 7 गियर मिल जाता है, जो कि मल्टीपल गियर है। और इसके अंदर फ्रंट और रियर में दोनों की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, जो कि शिमानो की तरफ से आता है। और दोस्तों जो सबसे अच्छा चीज है इस साइकिल के अंदर, जो कि साइकिल को पहले नंबर पे रखती है, वो है इसका बॉडी फ्रेम। मतलब बॉडी फ्रेम आपको दोनों साइकिल जो पिछले मैंने अभी बताया स्टील फ्रेम देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका जो बॉडी फ्रेम है वो एल्युमिनियम से बना हुआ है, जो कि यार काफी हल्का है इन दोनों साइकिल के मुकाबले, लेकिन वो साइकिल भी स्टील का बना होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा हल्का है, लेकिन इससे भी ये जो साइकिल है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। दोस्तों ये जो 3 साइकिल बताया, इस तीनों साइकिल के अंदर आपको आगे की तरफ सॉकेट देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और ये तीनों साइकिल से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यार ये तीनों साइकिल एमटीवी में गिने जाते हैं, ऑफ कोर्स ये ऑफ रोडिंग के लिए बने होंगे। और दोस्तों इस साइकिल में जो टायर भी आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर जो ग्रिप्स है ऑफ रोडिंग के लिए, खासकर ऑफ रोडिंग के लिए बने हुए हैं। दोस्तों इस साइकिल का जो प्राइस है इन दोनों साइकिल से पूरा अलग है, इन दोनों साइकिल का आपको जो प्राइस है 12,000 से लेकर 14,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो इस साइकिल का प्राइस है वो है इन सबसे बढ़कर, जो कि है 17,999 रुपए। दोस्तों इस साइकिल का जो प्राइस है वो है 17,999 रुपए। दोस्तों ये साइकिल का प्राइस इन दोनों साइकिल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है, तो यार इस साइकिल के ज्यादा होने का प्राइस एक कारण है कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, जो कि यार वर्थ है, मतलब सही है। दोस्तों इस प्राइस के रेंज में आपको एल्युमिनियम बॉडी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, फ्रेम भी एल्युमिनियम देखने को मिल जाता है, अलॉय भी एल्युमिनियम का देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इसका जो हैंडल बार है वो भी आपको एल्युमिनियम देखने को मिल जाता है, तो यार इस प्राइस रेंज में सही है ये साइकिल भी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये साइकिल आपको 15,000 में मिलता है, कैसे मिलता है मैं आपको बता दूं।
फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे कभी कभी डिस्काउंट चलते हैं, उसमें आपको मिल सकता है 15,000 के रेंज में। और ऑफलाइन भी किसी से किसी दुकान में जाओगे तो अच्छे से दुकान में जाओगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 3 एमटीवी साइकिल बताया जो कि 15,000 के रेंज में इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इन तीनों साइकिल में आपको कौन सा साइकिल अच्छा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आप खरीदना चाहो कौन सा खरीदोगे मुझे भी कॉमेंट करके बताना। भाई लोग मेरा काम था आपको एक अच्छा साइकिल बताना तो मैंने आपको बता दिया, आप आपकी मर्जी आप लोग कौन सा बाइक करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं गिवअवे के अपडेट्स के बारे में जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं Vivo V90 के गिवअवे का अनाउंस किया था, तो यार उसका अपडेट मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। हाँ यार मैं मानता हूँ कि ये अपडेट्स जो है मैं बहुत ही ज्यादा देर बाद आपको दे रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना, उसके लिए माफी चाहूंगा, कुछ प्रॉब्लम था। खैर छोड़ो, तो यार मैं गिवअवे का अनाउंस 20 तारीख को मैं करने वाला हूँ। अभी एक दो दिन बाद ही जून स्टार्ट हो जाएगा, तो इस महीने के 20 तारीख को मैं गिवअवे का अनाउंस करूंगा और आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाला है गिवअवे और अभी भी चांस है इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने का। तो यार मैं आपको बता देता हूँ इस गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है। सिंपल सा रूल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट कर ले। दोस्तों इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहले स्टेप तो मैंने बता दिया कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे का जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो है मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आपको फॉलो करना है, उसमें एक पहला फोटो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें मैं Vivo V90 का फोन लेके खड़ा रहूंगा, उस फोटो को जाके लाइक करना है और उसमें भी आपको कमेंट करना है कि ये फोन आपको क्यों चाहिए। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो रहा है टेक्निकल राइडर -75। और दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो मेरे सेकंड चैनल है जिसका नाम है TR Vlogs, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर देना है बेल आइकन को और वीडियो को भी लाइक करना जाके। दोस्तों ये तीन स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो इस गिवअवे में आप लोग पार्टिसिपेट हो चुके होंगे और ये जो Vivo V90 फोन है आप लोग इसको जीत सकते हैं। आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाला है Vivo V90 फोन, इसका प्राइस है 32,000। क्यों दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए और जो मैंने साइकिल बताया अभी ये 3 एमटीवी, ये साइकिल आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों जो Vivo V90 का गिवअवे का जो वीडियो है वो आई बटन में आपको दिखी होगी, आई बटन में आ रही होगी, उस पे क्लिक करो और जाके आप लोग देख सकते हो Vivo V90 का फुल डिटेल वीडियो मैंने उसमें रखा है। और दोस्तों जो मेरे सेकंड चैनल है उसका लोगो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मेरा ही फोटो दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करना और ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे के बेल आइकन को इनेबल करना है, दूसरा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और तीसरा मेरे जो सेकंड चैनल है उसको जाकर आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो यार आप इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर हो चुके हो और ये जो फोन है आप में से किसी एक व्यूअर को मिलने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। तो यार मैं मिलता हूं आपको अगले किसी अच्छे वीडियो में।